सर दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सैंपल एसेसिंग के बारे में, जो हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में जितने भी सैंपल हमारे पास आते हैं उनको किस तरीके से हमें रिसीविंग करना है और क्या क्या चीज़ें हमें देखना ज़रूरी रहता है और कहाँ पर हमसे मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इसमें देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो हम इसमें बात करने वाले हैं, अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में काम करने वाले हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो सारे टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूं और आने वाले समय में कुछ टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी का कंप्लीट हम टॉपिक कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आप ज़रूर देखना। कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, छोटी छोटी बातें जिनको आपको लाइफ टाइम ये आपके काम आने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़, अगर सैंपल जो है हिस्टोपैथोलॉजी का अगर सैंपल है तो इसमें बायोप्सी, आपको पता है ऑटोप्सी और बायोप्सी दोनों तरीके के सैंपल आपके पास आ सकते हैं, अधिकतर आपके बायोप्सी के सैंपल आते हैं। तो बायोप्सी के सैंपल जो हमारे पास आते हैं, आपको पहले ही मालूम है कि बायोप्सी जो होता है ऑपरेशन के बाद कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी टिश्यू हमारे पास आता है तो उसको हमें डायग्नोस करना रहता है, तो उसकी सारी प्रोसेसिंग हम लैब टेक्नीशियन करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर इससे मिस्टेक होता है या कोई गलतियां हो जाते हैं तो उसको सुधार करना इसमें आसान होता नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि अगर हिस्टोपैथोलॉजी का जो सैंपल हमारे पास आ रहा है ये अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो आपको बायोप्सी ब्लड का सैंपल लेना बहुत आसान हो जाता है, दोबारा आप ब्लड ले सकते हैं, उसमें कोई गलती या फिर कोई बड़ा काम जो है नहीं होता है। लेकिन अगर बायोप्सी का सैंपल की अगर हम बात करें तो इसमें दोबारा बायोप्सी लेना, ऑपरेशन करना इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हर एक स्टेप में आपको बहुत केयरफुल रहना है, सावधान रहना है और सैंपल को डिटेल में आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में देना है सैंपल रिसीविंग करते समय, वो बात आप इसमें समझ लीजिए। तो सैंपल जितने भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है आपके मेडिकल लेबोरेटरी के फील्ड में, और सैंपल को जब आप रिसीव करते हैं तो आपको सबसे पहला चीज़ जो इसमें ध्यान देना है, जो आपके पास सैंपल आया है वो आपके कलेक्शन सेंटर काउंटर में सबसे पहले जाता है और वहाँ पर सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ जो रहता है उसके काउंटर में, और वहाँ पर एक नंबर जनरेट होता है, वहाँ पर यूनिक पैथोलॉजी का जो है नंबर जनरेट होता है, और वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले चेक करके देख लेना है कि वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। उसके बाद जब आपके पास सैंपल आता है तो सैंपल की टाइमिंग होती है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब का टाइम होता है 9 से 5 बजे तक का, और इसके बीच में सैंपल आपके पास आता है रूटीन डे में। अगर कोई दिन छुट्टी है या कुछ है तो वो हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल जो है आपका बायोप्सी का सैंपल वो दूसरे लैब में जहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी का टाइम रहता है वहाँ पर सैंपल को रिसीव किया जाता है और वहाँ पर भी जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होता है या टेक्नीशियन होता है वो डिटेल उसको चेक करके देखता है और सैंपल रिसीविंग कर लेता है, और अगले दिन जब हिस्टोपैथोलॉजी का टेक्नीशियन आता है तो उसको हैंडओवर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन जो भी सैंपल रिसीव कर रहा है वो क्या चीज़ देखेगा, सबसे पहले स्पेसिमेन का लेबलिंग देखेगा और टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म, दो चीज़ें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो कंटेनर आया है आपके पास लैब के अंदर, उसमें जो सैंपल आया है वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर लेबलिंग है या नहीं है, सारी चीज़ें मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, टिशू का टाइप कौन सा है, कौन सा ऑर्गन है, या फिर पेशेंट का पूरा डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा है, वो सारी जानकारी आपको उसमें देखना है। और दूसरा चीज़ रिक्विजिशन फॉर्म, दोनों चीज़ों को आपको मिला करके देखना है, रिक्विजिशन फॉर्म में लिखा हुआ जानकारी और सैंपल के कंटेनर में जो लिखा हुआ जानकारी दोनों मैच हो रहे हैं नहीं हुए हैं, दोनों चीज़ों को मिला लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय चांस इसमें से कोई मिस्टेक हो गया तो आगे जा करके वो गलतियाँ नहीं सुधार पाएंगे आप, इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी स्टेज में ही इन चीज़ों को आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है जब सैंपल को आप चेक करते हैं तो फॉर्मलिन की प्रेजेंस को आप देखिए, और ये आपको वैसे ही पता चल जाता है जैसे ही आप कंटेनर को ओपन करके देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा फॉर्मलिन है या नहीं है, और प्रॉपर तरीके से जो ऑर्गन आपके पास ये सैंपल आया है वो सैंपल जो है फॉर्मलिन के अंदर डूबा हुआ है या नहीं डूबा है, या प्रॉपर तरीके से फिक्सेशन फिक्सेटिव जो रिएजेंट होते हैं उसके अंदर डाल करके दिया है या नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आप फॉर्मलिन चेंज कर सकते हैं, जो आपके लेबोरेटरीज़ के अंदर हैं वो फॉर्मलिन आप उसमें चेंज कर सकते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आपका जो सैंपल आया है वो ख़राब ना हो। अगर किसी कारणवश वो सैंपल ऑलरेडी पहले से ख़राब आ रहा है या आपको लग रहा है डाउटफुल कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और सैंपल को जो है आप रिटर्न भी कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं सैंपल में, आपको उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप खुद सुधार कर सकते हैं
तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बिना जानकारी के आपको वो काम नहीं करना है। इसके बाद जो है स्पेसिमेन का, जो आपके पास स्पेसिमेन आया है तो एंट्री रजिस्टर, और जो आपके पास रजिस्टर होता है एंट्री रजिस्टर, और दो चीज़ें आया है आपके पास, कंटेनर है और रिक्विजिशन फॉर्म है जिसको TRF बोलते हैं। तो इनको जो है मिलान कर लिया आपने, उसके बाद आपको रजिस्टर में एंट्री करना है, और जितने भी स्पेसिमेन आया है सबको एक स्पेसिफिक यूनिक हिस्टोपैथोलॉजी का नंबर देना है जिसको HP नंबर बोलते हैं। वो HP नंबर आप रजिस्टर में भी मेंशन करेंगे और सैंपल के कंटेनर में मेंशन करेंगे और आपके TRF में, तीन जगह आपके मेंशन तुरंत हो जाएंगे। जब आप एंट्री करेंगे वहाँ HP नंबर डल जाएगा, वही चीज़ सेम पूरा डिटेल पेशेंट का, और वही चीज़ आपके कंटेनर में नंबर डल जाएगा और आपके TRF में नंबर डल जाएगा। अब पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन आपका वो हिस्टोपैथोलॉजिकल जो नंबर आपने दिया है उससे होगा, और वही चीज़ वही नंबर जो है आपके आखिरी तक चलेगा। ब्लॉक बनाओगे तब, टिश्यू प्रोसेसिंग में भी आप वो नंबर डालेंगे, ब्लॉक बनाओगे तब भी वही नंबर डलेगा, उसके बाद लास्ट में जब आप स्लाइड बनाएंगे तब भी वही नंबर वहाँ तक चलेगा, और उसी से उस पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन चलेगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, हिस्टोपैथोलॉजिकल नंबर आपको वहाँ से दे देना है। तो ये जानकारी हो गई। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो स्पेसिमेन आपके पास आया है, अगर स्पेसिमेन में कोई भी चीज़ें अगर कंप्रोमाइज्ड लगता है आपको, तो गड़बड़ आपको कोई चीज़ दिखता है, तो किस तरीके से उसको आपको हैंडल करना है, तो वही चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। सर्जन को आपको इन्फॉर्म करना है और आपको बताना है कि कौन सी बातें उसमें मिस्टेक है। अगर TRF और आपके जो स्पेसिमेन है उसमें अगर कोई चीज़ मिसमैच हो रहा है तो आपका फ़र्ज बनता है कि उन चीज़ों को ध्यान से देख लेना। ऐसा नहीं कि सैंपल आया और आपने बोल दिया रख दीजिए सैंपल और चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चेक करके ही सैंपल को लेना है, बाद में उसकी जवाबदारी फिर कोई नहीं लेता है। इसलिए सैंपल को चेक करने के बाद ही आप उसकी रिसीविंग लें। तो इस बात को जो है आपको विशेष ध्यान देना है। तो यही चीज़ें हैं। अब उसके बाद जो है अगर क्राइटेरिया कौन कौन से हैं कंप्रोमाइज्ड करने के सैंपल को, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर आपका TRF इनकम्प्लीटली है और उसके अलावा आपका जो TRF है और जो आपका कंटेनर है उसका अगर कोई चीज़ें हैं जो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, दो चीज़ें जो आपका TRF है और जो कंटेनर है वो दोनों चीज़ों का जो लेबलिंग है वो अगर मैच नहीं हो रहा है, उसके अलावा सैंपल अगर नॉर्मल लाइन में आपका रिसीव हो रहा है, उसके अलावा सैंपल जो है विदाउट बिलिंग का है या फिर रॉन्ग बिलिंग हो गया है सैंपल का, अगर लार्ज बायोप्सी है स्मॉल बायोप्सी का बिलिंग हो गया है या फिर स्मॉल बायोप्सी है और लार्ज बायोप्सी की बिलिंग हो गई है, तो इस कंडीशन में भी आपको ये सारी चीज़ें जो है क्राइटेरिया है कंप्रोमाइज्ड करने का सैंपल को। उसके अलावा अगर प्रीवियस रिपोर्ट नहीं है, डिटेल नहीं है, अगर कोई स्लाइड या फिर ब्लॉक आपके पास जो है रिव्यू होने के लिए आया है, तो उस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो स्लाइड रिव्यू होने के लिए बाकी दूसरे लैब से भी आ सकते हैं या दोबारा जो है पेशेंट उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है रिव्यू करने के लिए। और बाकी दूसरे लैब से अगर कोई पेशेंट आता है ब्लॉक और स्लाइड दोनों लेकर के और दूसरे लैब आपके लैब में आकर के वो टेस्ट कराना चाहता है, रिव्यू कराना चाहता है आपके वहाँ डॉक्टर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास ब्लॉक आएगा और स्लाइड आएगा, तो दोनों चीज़ों का रिक्विजिशन फॉर्म भी आएगा, उसके अलावा बिलिंग भी आएगा, तो दोनों चीज़ों को आपको मैच करके देख लेना है दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है। उसके बाद आप उसकी अपनी एंट्री करेंगे अपने रजिस्टर में, ये जो सारी चीज़ें लिखे हुए हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, अपने रजिस्टर में आप मेंशन करेंगे और हिस्टोपैथोलॉजी का नंबर आप अपने लैब से देंगे उसका अलग से जो आपके पास एंट्री होगा, और उसकी रिकॉर्ड आप अपने पास रखेंगे। अगर स्लाइड आपके पास जो ये क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप ये नोट्स जो है इसके बना सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें अगर आपके पास स्टेन वाली स्लाइड आई है रिव्यू के लिए, तो आपको प्रॉपर चेक करना है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा स्टेन है या नहीं है। अगर नहीं है स्टेनिंग तो उसको आपको क्या करना है, आप री स्टेनिंग कर सकते हैं या फिर आपके पास ब्लॉक है तो रीकट कर सकते हैं, और रीकट करने के बाद आप अपने लैब में उसकी अलग से एक स्लाइड बनाइए और अपने पैथोलॉजिस्ट को माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन के लिए आप दे सकते हैं। तो ये काम आपको कर लेना है अगर कोई रिव्यू के लिए स्लाइड आ रहा है बाकी लैबों से, ये चीज़ें होता है। उसके बाद जो है TRF होता है उसमें आपको एंट्री करना है, लेबलिंग वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है, और जो भी ग्रॉसिंग रिक्विजिशन की स्लिप होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और सैंपल रिसीविंग आफ्टर 5 PM, तो वही चीज़ मैंने आपको बता दिया, 5 बजे के बाद हॉलीडेज अगर आता है तो दूसरे लैब में आप दे सकते हैं रख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दिया। मटेरियल रिक्वायर्ड कौन कौन सा होगा सैंपल एसेसिंग के लिए, तो आपके पास मटेरियल रिक्वायरमेंट है आपके पास लेड पेंसिल, उसके बाद डायमंड पेंसिल, बॉल पेन, ग्लव्स, मास्क, कंप्यूटर प्रिंटर, नंबर स्ट्रिप जो उसमें आप चिपकाएंगे या लेबलिंग करेंगे, और स्पेसिमेन कंटेनर जो आपके पास आता है, उसके बाद रजिस्टर जिसमें आप एंट्री करेंगे, और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपके
रिक्वायरमेंट में आ जाएंगे। उसके अलावा नंबरिंग आप कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पूरे ईयर के हिसाब से चलेगा, पूरे साल भर का नंबरिंग चल सकता है, मंथली चल सकता है, और ईयर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कौन से साल में आपका बना हुआ है। जैसे 2020 है तो 2020 आप डाल सकते हैं, और सीरियल नंबर जो आपका मंथली चल रहा है या ईयरली चल रहा है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1, 2, 3 चलेगा, उसके बाद ऑब्लिक करके आप उस कौन से साल में या कौन से ईयर में वो चीज़ें हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यही नंबर जो है आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, और आपका ये नंबर आपके कंटेनर में और आपके स्लाइड में और आपके फॉर्म में आपके रजिस्टर में यही नंबर आपके चलते रहेंगे, और इसी नंबर से बाद में भी आपको ढूंढने में या फिर सर्च करने में आसानी हो जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें थे जो बहुत ज़रूरी था सैंपल रिसीविंग के लिए। आगे भी कंटिन्यू क्लास जो है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप ज़रूर देखना ताकि आपके बाकी चीज़ें भी डाउट क्लियर हो जाएं। अब मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, हिस्टोपैथोलॉजी के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।